फैंस मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ये वही लोग हैं जो मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका मानना है कि मुझे इनके घरों को खाली करना होगा, तो मैं आ गया हूँ इनसे मुजाकरात करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आया हूँ और ये लोग काफ़ी सारा शोर मचा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे पर हमला करने वाले हैं। तो मैंने उन्हें कहा है कि आपकी डिमांड मैं पूरी करने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरी भी बात सुने। तो उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम सुनते हैं। मैंने कहा है कि आप इस तरह इकट्ठा हो जाएं। ये बंदा कह रहा है कि यार जल्दी करो, मेरे को काम पर भी जाना है। तो इनका मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम तमाम करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर देखे काफ़ी सारे लोग हैं और ये मेरे खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट करने वाले थे। इनका कहना था कि अगर इनकी मांग न पूरी की गई तो यहाँ पर ये लोग ऊपर बिल्डिंग से नीचे छलांग लगा देंगे, और पुलिस को भी इन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। तो मैंने कहा है कि ठीक है, आप रिपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दे दें, तो 5 मिनट बाद आपका सारा का सारा काम पूरा हो जाएगा, मैं आपकी बिल्डिंग खाली कर दूंगा। तो यहाँ पर ठीक है, मैंने इनका काम कर दिया है, आगे का काम करते हैं और इन्हें मैं हमेशा के लिए आज़ाद करने वाला हूँ। वहाँ पर एक प्लेन भी जा रहा था, तो चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है और देखता हूँ ये आग लग गई है यहाँ पर, और ये जो लोग मेरे खिलाफ आए हुए थे अब ये भाग भी नहीं सकेंगे। तो इन लोगों को यहीं पर इनका काम अब होने वाला है तमाम, और मसला हो गया है। अभी मेरे पीछे पुलिस भी लगी है। तो ये देखें, ये लोग ये जा रहे हैं, तो मेरे खिलाफ ये अब दोबारा कोई उठेगा नहीं। अबे ये भाग रहा मेरे खिलाफ़, भागेगा तो अब बात कौन करेगा मेरे खिलाफ। हाँ, ये हाल कर दिया है मेरे इंसाफ का।